हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो यार। तो मैं हाजिर हो चुका हूँ एक और न्यू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और यार आज की इस वीडियो में मैं आपको दिलाऊंगा हेडसअप यानी कि हेडशॉट किल्स का टाइटल। अब ये जो टाइटल है ये आप इसे एक हैकर्स का टाइटल भी बोल सकते हो, इसलिए क्योंकि ये टाइटल्स हैकर्स को ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए क्योंकि वो हेडशॉट वाला हैक यूज़ करते हैं और ये टाइटल भी आपको हेडशॉट मार के ही ये आपको ये टाइटल मिलता है। तो फिर जो हैकर्स होते हैं उनका सारा का सारा किल्स यानी कि 75% मान लो आप वो सारे के सारे किल्स हेडशॉट से ही करते हैं। और एक मजे की बात बताऊं वो ये कि जब मैं इस टाइटल को लगा के लॉबी में जाता हूं, वेटिंग एरिया में जाते हैं, तो लोग मेरे को हैकर हैकर बोल के लॉबी छोड़ देते हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहता हूं कि वो ये कि मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि मैं कॉन्क्वेस्ट पुश कर रहा था वो मैंने डिलीट कर दी, इसलिए क्योंकि अभी मैं प्लेटिनम 4 में ही था तभी मुझे काफ़ी सारे हैकर्स मिलने लगे थे। एक मैच में दो दो हैकर, फिर अगले मैच में हैकर, फिर अगले मैच में हैकर, इसलिए मैंने कॉन्करर पुशिंग मैंने छोड़ दिया। मैं कॉन्करर पुश नहीं करूंगा और मैंने उस वीडियो को भी डिलीट कर दिया। और आप लोगों के उस वीडियो पे बहुत अच्छे मतलब वो रिस्पांस भी नहीं था, इसलिए मैंने उसको डिलीट करना ही ज़्यादा बेटर समझा। तो फिर चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको ये टाइटल कैसे मिलेगा। तो फिर चलो सबसे पहले मैं आपको इस टाइटल के कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो रीजनल टाइटल्स है यानी कि जिसमें कि हेडसअप वाला टाइटल्स रहता है उसका मैं लोकेशन बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ये टाइटल आजकल ये रहते कहाँ हैं। तो देखो पहले ये यहाँ रहते थे लेकिन अभी ये शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे घर बदल दिए हैं, अपना सीजन में चले गए हैं। और सीजन में फिर आप यहाँ पे आ जाना रीजन में, ठीक है। और रीजन में फिर ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे आना और फिर उसके बाद से हेडशॉट किल्स, ठीक है, ये हेडशॉट किल्स हो गया। तो फिर ये जो टाइटल है ये एक टेम्प्रेरी टाइम का टाइटल है यानी कि इस टाइटल की वैलिडिटी 1 वीक रहती है। तो अगर आपको ये टाइटल चाहिए तो फिर आपको इस टॉप 100 की रैंकिंग में रैंक करना होगा, और अगर आप रैंक कर जाते हो तो फिर आपको ये टाइटल मंडे को सुबह 5:30 बजे मिल जाएगा और फिर ये अगले एक हफ्ते तक रहेगा। और फिर अगर आप नेक्स्ट वीक फिर मंडे को सुबह 5:30 बजे से पहले अगर आप इस रैंकिंग से बाहर हो जाते हो तो फिर ये टाइटल आपको नहीं मिलेगा, ये टाइटल आपसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए आपको अगर आपको ये टाइटल हमेशा चाहिए तो फिर आपको इस लिस्ट में हमेशा अपने आप को बनाए रखना होगा। इसलिए गाइज ये रीजनल टाइटल्स लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको इसके लिए अपने कंट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से टॉप 100 की रैंकिंग में आना रहता है तब जाके आपको ये मिलता है। और इतना ही नहीं, अगर आपको ये टाइटल हमेशा अपने पास चाहिए तो फिर इस टॉप 100 की रैंकिंग में अपने आप को बनाए रखना भी पड़ता है। तो फिर देखो कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ है लेकिन इन सभी टाइटल्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर अब इस टाइटल को पाने के लिए आपको बंदों को हेडशॉट से तो मारना ही होगा लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, वो ये कि बंदा किस कैसे भी नॉक हो, आप किसी भी गन से नॉक करो, मारना उसे हेडशॉट से, उसे आप हेडशॉट से किल करो। यानी कि आप कैसे भी बॉडी शॉट वगैरह मार के आप नॉक कर दो लेकिन आप उसे किल करो हेडशॉट से। या फिर अगर आप उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देते हो फिर उसे बॉडी शॉट वगैरह मार के अगर आप किल करते हो तो फिर वो एक हेडशॉट किल्स नहीं माना जाता है। अगर आपको हेडशॉट किल्स का टाइटल चाहिए तो फिर आपको कैसे भी उसको नॉक करना होगा और उसके बाद से उसे हेड पे मार के उसे फिनिश करना होगा, तब जाके वो एक हेडशॉट किल माना जाएगा। एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप किसी बंदे को नॉक करते हो कैसे भी हेडशॉट से या फिर बॉडी शॉट से और अगर आपका टीममेट उसे मार देता है तो फिर वो एक हेडशॉट वाला किल आपका नहीं माना जाएगा। वैसे किल तो आपको मिलेगा लेकिन वो एक हेडशॉट वाला किल नहीं माना जाएगा, इसलिए क्योंकि वो पता नहीं क्या मारेगा, हेड पे मारेगा या फिर वो बॉडी शॉट करके मारेगा। तो फिर इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप जिस बंदे को नॉक करो आप उसे अपना टाइम लेके समय लेके पूरा आराम से उसे हेडशॉट मार के उसे फिनिश करो। बंदे नॉक होने के बाद थोड़ा इधर उधर भागेंगे, थोड़ा फड़फड़ाएंगे, वो होता है ना मोमबत्ती बुझने से पहले थोड़ा सा फड़फड़ाता है, तो वही होगा उनके साथ भी। तो आप आराम से उसे हेडशॉट से मार के उसको फिनिश करो। तो फिर चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइटल को पाने के लिए आपको कितने किल्स करने पड़ेंगे। तो फिर इस हेडशॉट किल्स में आप आ जाना और फिर जो सबसे जो लास्ट वाला बंदा है जिसके कि जो सबसे लास्ट वाला बंदा है 100 नंबर का प्लेयर है उसके जितने किल्स होंगे उससे आपको एक किल अधिक करना होगा। और जब आप एक किल अधिक करोगे तो फिर आप इस टॉप 100 की रैंकिंग में रैंक कर जाओगे। और फिर इस बंदे ने 551 किल किया, मैंने 726 किल किया, तो वैसे तो मैं 22 नंबर पर रैंक हूँ लेकिन अगर आपको ये टाइटल चाहिए, अगर आपका फ्लैग इंडिया है तो फिर मैं आपको इंडिया में भी दिखा देता हूँ कि अभी इंडिया में क्या रैंकिंग चल रही है, लीडर बोर्ड का क्या हाल चाल है। तो फिर ये आ गया इंडिया। और अगर आपको ये टाइटल इंडिया में चाहिए भाई साहब तो फिर आपको अभी के लिए 1100 किल्स करने होंगे
तब जाके आपको ये टाइटल मिलेगा। लेकिन अभी बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मैं रैंक कर गया था लेकिन फिर भी मेरे को ये टाइटल नहीं मिला, तो वो इसलिए क्योंकि आप रैंक तो कर गए थे लेकिन फिर आप कुछ दिनों बाद यानी कि कुछ घंटे बाद आपने खेलना छोड़ दिया और फिर आप इस रैंकिंग से बाहर हो गए, इसलिए आपको टाइटल नहीं मिला। तो अगर आपको टाइटल चाहिए तो फिर आपको मंडे को सुबह 5:30 बजे तक इसमें रैंक रहना होगा, तब जाके आपको अगले दिन ये टाइटल मिलेगा। तो फिर अगर आपका फ्लैग इंडिया है, अगर आपने अपना फ्लैग को इंडिया किया हुआ है, तो फिर अगर आप चाहते हो कि आपको ये टाइटल और भी इजीली मिल जाए, ये 1000 किल्स हेडशॉट करके किल्स ना करना पड़े, तो फिर आपको उसके लिए अपने फ्लैग को चेंज करना होगा। मैंने भी देखो बहुत ट्राई किया था इस सीजन में इंडिया में गनस्लिंगर, क्लोज इनकाउंटर या फिर हेड्सअप ऐसे टाइटल्स लेने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता था उसके लिए, मुझे 6-7 घंटे खेलने पड़ते थे, लेकिन फिर भी लीडर बोर्ड इतना फास्ट था कि फिर मैं नहीं कैचअप कर पाया। फिर उसके बाद मैंने अपने फ्लैग को चेंज कर दिया न्यूजीलैंड में, तो फिर न्यूजीलैंड मैं बहुत ही इजीली मेरे को सारे के सारे टाइटल्स अंडर 10 मिल गए हैं। तो फिर अगर आप भी ये टाइटल्स इजीली लेना चाहते हो तो फिर आपको उसके लिए अपने फ्लैग को चेंज करना होगा, और आप फ्लैग को कैसे चेंज करोगे वो मैं आपको बताता हूं। तो फिर फ्लैग चेंज करने के लिए आपको अपने यहाँ प्रोफाइल में जाना होगा, और फिर प्रोफाइल के बाद आप यहाँ पे आ जाना एडिट में, फिर से फ्लैग में, और यहाँ पे आप अपने फ्लैग्स को सर्च भी कर सकते हो। तो मैंने जो फ्लैग लगाया है वो न्यूजीलैंड है, लेकिन मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा जिसमें कि बहुत कम फसल होती है, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है बहुत कम होगी, तो फिर वहाँ पे लोग भी बहुत कम पबजी मोबाइल खेलेंगे, और जब कम पबजी मोबाइल खेलेंगे तो फिर वहाँ पे आपको कोई भी टाइटल लेना और भी आसान रहेगा। तो फिर मैं जो आपको फ्लैग रिकमेंड करूँगा, आप टैंजानिया लगा लो, ये है TANZANIA, ठीक है, ये टैंजानिया अगर आप सर्च करोगे तो फिर आप इस फ्लैग को चेंज कर लो, आप इस फ्लैग को लगा लो, इस कंट्री में आप कोई भी टाइटल बहुत ही इजीली ले लोगे। तो फिर यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन आएगा, वो ये कि अगर आप फ्लैग अपना चेंज करते हो तो फिर 60 दिनों के लिए आप अपने फ्लैग को दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। तो मैंने तो कुछ दिन पहले ही चेंज किया था, तो फिर मैं दोबारा चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप इस फ्लैग को चूज़ कर सकते हो। तो फिर फ्लैग चेंज करने की बात से आपके कुछ दिमाग में कुछ सवाल हो रहा होगा, वो ये कि पिंग तो नहीं हाई आएगी, या फिर किस सर्वर पे खेलना होगा फ्लैग चेंज करने के बाद, या फिर हमको बंदे या फिर हमारी टीयर वगैरह पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो देखो किसी चीज़ पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, ना आपकी पिंग हाई आएगी ना, और बंदे भी आपको इंडिया के ही मिलेंगे, और आपको खेलना भी एशिया सर्वर में ही है। आप अगर आप यूरोप में यूजुअली खेलते हो, यूरोप में भी खेल सकते हो, जिसमें मतलब आप खेलते हो यूजुअली आप उस सर्वर में ही खेलोगे, और आपके टीयर पे, आपके आरपी पे, आपके फ्रेंड टीममेट्स किसी पे भी कुछ, तो फिर बिंदास होकर आप अपने फ्लैग को चेंज कर सकते हो। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो यार डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कोई प्रॉब्लम हो परेशानी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लो, जरूर मैं आंसर दूंगा, और वहाँ पे भी ना सॉल्व हो तो फिर आप आके मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो जाओ जाके फॉलो भी कर लेना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो नीचे लाल रंग का बटन है उसको दबा दो, ऑल बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दो। तो बस मैं चलता हूँ, बाय बाय।